काशीपुर डाक खाने में कलेक्शन के 2.5 लाख रुपए जमा कराने कैश काउंटर पर पहुंची महिला, एजेंट के रुपए गायब हो गए। महिला ने एक युवक पर रुपए गायब करने का शक जताया और पुलिस से शिकायत की। काशीपुर निवासी रजनी सिंघल डाक खाने में एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। जब वो एक थैली में कलेक्शन किए हुए करीब 2.5 लाख रुपए डाक खाने में जमा कराने गई थी, इस दौरान उन्होंने रुपयों से भरा थैला डाक खाने के कैश काउंटर पर रख दिया और किसी काम में व्यस्त हो गई। इस बीच एक टप्पेबाज ने उनके रुपयों से भरा थैला चुरा लिया। रजनी ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। रजनी सिंघल ने बताया कि मैं डाकखाना 2.5 लाख रुपए जमा कराने गई थी, लेकिन वहां पर मेरे पैसे चोरी हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें, डाकखाने में कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगा है, जबकि डाकखाने में सैकड़ों लोग रोजाना किसी न किसी कार्य से आते हैं। डाकखाना प्रभारी रमेश तिवारी ने बताया कि डाकखाने में CCTV कैमरे लगाने के लिए कई बार उच्च स्तर पर लिखित तौर पर मांग की गई, लेकिन अभी तक कैमरे को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। डाकखाने में पैसे जमा करने गई थी, मैं महिला एजेंट हूँ और पैसे मैं बस काउंटर पर खड़ी हुई थी, कोई तेरह हजार उठा के भाग गया 2.5 लाख रुपए। 11:45 के करीब की हो, लड़का कोई छोटा कम उम्र का ही बता रहे, मैंने तो देखा नहीं, देखती तो मैं पकड़ ही लेती उसे। पुलिस मंडली कार्यालय को भी लिखा गया है कि यहाँ कैमरे लग जाए, 6 कमरे के लिए पता चला है कि अनुमति मिली है। 6 कमरे काशीपुर डाकर में लगेंगे, 2 हॉल के अंदर और 4 बाहर, ताकि कि ऐसी कोई मतलब चोरी या लूट की घटनाएं ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।